पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज छत्तीसगडांत घेतली प्रचार सभा. जो मेरेन गरिबांच्यो समस्या सुटाव्यो जायना तो मेरेन आपूण बसचो ना स्वस्त, प्रधानमंत्र्यांनी भौसाक दिले आश्वासन. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी मध्य प्रदेशाच्या धनौरा वाठारांत आयोजित केल्ल्या प्रचार सभेक केले संबोधित. आदिवासी खरं म्हळ्यार ह्या देशाचे आणि जमनीचे जाऊन असात मालक, राहुल गांधी हांणी केले उलोवप. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हांणी काँग्रेस पक्षान जाहीर केल्ल्या जाहीरनाम्याविशी केली खर टीका. हो जाहीरनामो काँग्रेसीचो काय मुस्लिम लिगाचो हेच समजना. काँग्रेस देशाक काबार करपाचो रचता कट, जेपी नड्डा. सूर्यगिरण अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा हेर देशांनी दिसतले. हे सूर्यगिरण रातचे 9:12 सुरू जाऊन 2:22 सोपतले. भारतान दिसचे ना गिरण. आणि आयपीएल क्रिकेट सर्तींत आज चेन्नईत एमए चिदंबरम स्टेडियमचे चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स हांच्या मधी जातो खेळ. आणि आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर भेटीचेर असात. आज दनपरा त्यांची पहिली प्रचारसभा छत्तीसगडात झाली. केंद्र सरकार प्रामाणिकपणान गरीब कल्याणकारी येवजण्यो राबयता. जो मेरेन गरिबांच्यो समस्या सुटाव्यो जायनात तो मेरेन आपूण स्वस्त बसचो ना, अशें ह्या सभेत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगले. हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण. हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई, गरीब को उसका हक दिया. आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं. साथियों, गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है. बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी. ज्या राम लल्ल्याच्या देवळाची पुराय देश फाटली 500 वर्सां मळशिकेन वाट पळयता, त्या देवळाची लेगीत राजकारण करपाक काँग्रेस पक्ष फाटी रावलो ना. देवळाचो विरोध करून ताणी भारतीयांच्या भावनेचो विरोध केलो, असो आरोप प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत केलो. न्योता ठुकरा दिया काँग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया. और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया. ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है. कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है उसमें भी मुस्लिम लीग की छाप है. आज काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी मध्य प्रदेशाच्या धनौरा वाठारांत आयोजित प्रचार सभेत उलोवप केले. ह्या वेळार आदिवासी खऱ्या स्वरुपांत ह्या देशाचे आणि जमनीचे मालक जावन आसात, असे ताणी सांगले. ह्या वेळार उलयतना वनवासी आणि आदिवासी हे दोन वेगवेगळी उतरां जावन आसात आणि ह्या उतरां फाटले विचारूय तितलेच वेगळे आसात, असे ताणी सांगले. वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है. सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है. वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा. आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो,
देश के पहले मालिक हो और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। लोकसभा दुसऱ्या पावण्यावेले वेचणुकेचे अर्ज फाटी घेवपाचो आज निमणो दीस आशिल्लो। या पावण्यार 12 राज्यातल्या 88 लोकसभा सुवाती खातीर 26 एप्रिलाक मतदान जातले। हातून मणिपूर राज्यातल्या कांय वेचीक वाठाराचो आसपाव आसा। मणिपूरच्या एका वाठारातले मतदान 19 एप्रिलाक जातले आनी दुसऱ्या पावण्यार केरळातल्यो 20 सुवाती, कर्नाटकातल्यो 14, राजस्थानातल्यो 13, उत्तर प्रदेश आनी महाराष्ट्रातल्यो दरेकी 8, मध्य प्रदेशातल्यो 7, अस्तंत बंगाल आनी छत्तीसगडातल्यो दरेकी 3, मणिपूर, त्रिपुरा आनी जम्मू काश्मीरांत दर एका सुवाती खातीर मतदान जातलें। दक्षिण गोंयातली भाजपा उमेदवार पल्लवी धेपो हाणें आज मडगांवांत आपल्या प्रचार दौऱ्याक सुरवात केली। मडगांवां पिंपळकट्टा हांगा श्री दामोदराचें दर्शन घेवन तांणी आपल्या प्रचाराक सुरवात केली। ह्या वेळार तांच्या वांगडा मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, फातोड्डेचे आदले आमदार दामू नायक तशेंच सुवर्णा तेंडुलकर आनी भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी भाजप उमेदवारांक भरघोस मतांनी वेचून हाडचो असो उलो मारलो। आज संपूर्ण दीस तिचो दामबाबाच्या स्थळांत म्हणजे मठग्राम नगरी मडगांवां पूर्णपणे आज एक दीस हांगा आसा। सुरवात आमी पेडार दामबाबाचें दर्शन घेवन मार्केटा पासून सुरवात केल्या, मार्केट पूर्णपणे कवर आनी मागीर सांजचे वेगवेगळ्या भागांत 15-15, 20-20 मिनटाच्यो ल्हान ल्हान मिटींग्यो, कॉर्नर मिटींग, ह्यो व्हडल्यो मिटींगे कांय दवरना, पूण वील ट्राय टू रीच मॅक्झिमम वोटर्स इन द सिटी ऑफ मारगांव। कित्याक मागीर कितें जाता, मागीर हांवूय बिझी उरतलो, ताका लागून पयलीं हांवें कॉमेसच आज केला, वन डे वीथ कँडिडेट हो सगळे कन्सेप्ट आयच्यान सुरू जाता गोंयांत। ताची पयली सुरवात मडगांवच्यान केली। भाजपाची दक्षिण गोंयची उमेदवार पल्लवी धेपो हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। मार्केटान आसा तुमकां खबर आसा, मार्केटाची दक्षिण गोंयांत खूब व्हडली परंपरा आसा ह्या मार्केटाची आनी इतलो म्हत्व जागो हो। आनी हांव दक्षिण गोंयचें आशिल्ल्या कारणान आमचो संबंधूय खूब आसा। आमी सगळीं फोकस करतात ऑन पॉझिटिव्ह कॅम्पेन, तेच हांव म्हणटा। लोकसभा वेचणुकेच्या फाटभुंयेर देशांत वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपल्या घोषणापत्राच्या माध्यमांतल्यान जनतेच्या मनांत आपल्याविशीं आकर्षण निर्माण करून पळयतात। काल काँग्रेस पक्षान आपलें घोषणापत्र जाहीर केल्लें। काँग्रेसीच्या घोषणापत्राचेर उलोवप करतना काँग्रेसीची म्हणयारी सुप्रिया श्रीनेत हांणी पक्षाचें घोषणापत्र 5 न्याय स्तंभाचेर उबारलां अशें सांगलें। हे विशीं स्पश्टीकरण दितना देशाच्या फुडाराचो आराखडो ह्या घोषणापत्रांत दिसून येता अशें सांगून लोकांचे आशा अपेक्षा तातूंत प्रतिबिंबीत जातात अशें श्रीनेत हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना सांगलें। एक ब्लूप्रिंट है भारत के भविष्य के लिए और 10 साल में जो भी समस्याएं देश के लोगों पर लादी गई हैं उन सबका कहीं समाधान भी और क्रमबद्ध तरीके से समाधान। ये घोषणा पत्र भारत की आवाज है, इस देश की आवाज है। ये घोषणा पत्र उन लाखों करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पे, उनकी आशंकाओं, उनकी चुनौतियों के बेसिस पर बना है जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से, हमारे लीडर्स से, हमारे अध्यक्ष से लगातार मिलते रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री घबरा गए। काँग्रेस पक्षान जाहीर केल्ल्या घोषणापत्राचो संदर्भ घेवन आज भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आनी पत्रकारांकडेन भासाभास करतना हे घोषणापत्र काँग्रेसीचे काय मुस्लिम लिगाचे हेच समजना अशी टिका केली। जे रितीन मुस्लिम लिगान देशांत धर्माच्या आधाराचेर आरक्षण करून देशाची विभागणी केल्ली तेच रितीन आज काँग्रेस देशाक काबार करपाचो कट रचता असो आरोप तांणी केलो। मैंने काँग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में,
सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हालीच बनखणीतल्यान भायर सरिल्ले आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंग हांणी पत्रकार परिषद आपोवन इलेक्टोरल बॉन्डाच्या फाटभुंयेर भाजपाचेर टिकास्त्र मारले। इलेक्टोरल बॉन्डाच्या नांवार भाजपान केल्लो भ्रश्टाचार जनतेन स्पश्ट रित्या अणभवला असो आरोप तांणी केलो। भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार हुआ, नियमों का बदलाव किया गया, हजारों करोड़ की टैक्स की छूट दी गई, लाखों करोड़ को कंपनियों को ठेका दिया गया, और यह सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने मुंह से, छाती से, दिमाग से जहां जहां इनका डाटा छुपा हुआ था वो सारा का सारा डाटा खींच के देश की जनता के सामने निकाल के रख दिया। खबरपत्र घेऊया एक लहान सविसो। सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट कौन सा बूथ सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विश्वा उपरांत योकार पोया मुखावली खबरो। उत्तर अमेरिकेत आज पुराय सूर्यगिरण पळोवपाचो योग थंयच्या रहिवाशांक मेळटलो। भारतीय वेळेप्रमाण हे सूर्यगिरण रातच्या 9:12 सुरू जावन ते 2:22 सोंपतले। हे सूर्यगिरण मेक्सिको, कॅनडा आणि हेर देशांनी दिश्टी पडटले। भारतातल्या लोकांक मात हे सूर्यगिरण पळोवपाक मेळचे ना। ओसय ओसयच्या गजरांत लोकगीतां आणि ढोल ताशाच्या आवाजांत म्हापशा शिगमो मनयलो। म्हापशा अलंकार थिएटरा लागीं राष्ट्रोरी देवळाक गाराणें घालून गुलाल उधळीत व्हडा उमेदीन रोमटामेळ, लोकनृत्यां आनी चित्ररथाचे मिरवणुकेक सुरवात जाली। ह्या वेळार म्हापशेचे आमदार जॉशवा डिसोजा, नगराध्यक्ष नुटन डिचोलकर हाजीर आशिल्ले। गोंय राज्य पर्यटन खातें आनी म्हापशा शिगमोत्सव समितीन आयोजीत केल्ल्या मिरवणुकीत समिती अध्यक्ष गुरुदास नाटेकार हांच्या फुडारपणा खाला म्हापशांतल्या नागरिकांनी वांटो घेतलो। ही मिरवणूक पळोवपा खातीर म्हापशा आनी सरभोंवतणीच्या लोकांनी उपाट गर्दी केल्ली। समितीचे अध्यक्ष गुरुदास नाटेकार हांणी ह्या वेळार ह्या मिरवणुके विशीं चड म्हायती दिली। आमी पट्टी काडून सगळो करी, हेका आतां गव्हर्मेंटान म्हाका सपोर्ट दिला आनी आमदारान तर पयलींच सांगला आपलो कितको सपोर्ट तुका आसा। आमी म्हापशेकार 1 वोट दाखयतात असल्या फंक्शनां आनी असोच कायम उरतलो अशें धरता। आनी जोसवान आमदारान खूब आमकां सपोर्ट केला, तशें नुतनानू केल्लो, इनडायरेक्टली तेणें केल्लो, मिटींग बी तेणें अरेंज केल्ली, त्या बद्दल हांव तेजे थँक्स करतां। आनी ही परंपरा आतां जशान सांगला त्या प्रमाणे कायमची उरतली आनी म्हज्यातल्यान इनिशिएट करतले अशें धरून तुमच्या सगळ्यांचे ह्या वर्सा खूब लोक इनवॉल्व जाल्लो आसा, त्या बद्दल तेंचेय हांव आभार।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी डीएमके पक्षाचेर प्रश्न उबारतना कच्चा तिबू जुव्या विशीं डीएमके वोगी कित्याक आसा अशें म्हळां. तशेंच डीएमके देशाचो एक भाग श्रीलंकेच्या स्वाधीन करपाक तयार आशिल्ल्याचो आरोपूय मंत्री ठाकूर हांणी हे वेळार केलो. वाय डीएमके सायलंट ऑन द इशू ऑफ कच्चा तिबू आयलंड गिवन बाय द काँग्रेस पार्टी. वाय इज ही सायलंट? Is he okay with giving away one part of the country to Sri Lanka? Why are they silent? Does he agree with the decision of the Congress party? Why are they mum? On one hand, they talk about the Tamilian glory. On the other hand, they are silent on the issue of Kachcha Thivu Island. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान नव्या मतदारांक लोकसभा वेंचणुकेंत सक्रीयपणान वांटो घेवपा खातीर खासा सोशल मिडिया मोहीम चालीक लायल्या. वेंचणूक आयोगान टर्निंग 18 आनी यू आर द वन ह्या दोन अभियानाच्या माध्यमांतल्यान आकर्षक विशय, लोकप्रिय आयकॉन आनी नव्या पिळगेच्या आवडट्या सामग्रीचो वापर करून मतदानाविशी जागृताय करपाचें ध्येय साकारलां. टर्निंग 18 माध्यमांतल्यान शारी आनी तरणाट्या मतदारांचे प्रश्न आनी निराशेचेर उपाय काडपाचो उद्देश आयोगान दवरला. वेंचणुके वेळार मतदारांक आपल्याक मत दिवपाक आकर्षित करपा खातीर राजकीय पक्ष मतदारांक खुबशीं प्रलोभनां दितात. वीज उदक फुकट दिवपाची ही प्रवृत्ती अर्थवेवस्थेचेर बरोच ताण घालता. फ्रीबीज राज्याच्या आणि देशाच्या हिताचे आसना. हे विशी भारतीय स्टेट बँकेन शिटकावणी दितना या गजालीचो फुडारांत सरकारी निधीचेर पेज पडटलो अशें सांगला. काल काँग्रेस पक्षान जाहीर केल्ल्या आपल्या घोषणापत्रांत खुबशे फ्रीबीज दिवपाचे उतर दिला. काँग्रेस पक्षान आज मेरेन राज्याकूच न्हय तर देशाक सुद्धा दिल्ली आश्वासनां केन्नाच पुराय करूंक नात अशें मत भाजपाचे फुडारी सुधांशु त्रिवेदी हांणी उक्तायला. केवल निजी स्वार्थ के आधार के ऊपर एक दूसरे को मात देने की भाव से आकर खड़े हुए, अपने अपने परिवार और भ्रष्टाचार को आने के लिए खड़े हुए भ्रम से भरा हुआ एक गठबंधन, तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी, जो कांग्रेस की फितरत रही है, आदत रही है, शरारत रही है, उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज न उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, न राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की है. खबरपत्र घेऊया आणि केकलांचो विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. Which it is absolutely perfect. Because it will hamper employment. Climate convos. Which is a matter of great concern for all of us. Are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change. Because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. Pata hai? Investors ke liye ek investor protection fund hota hai, IPF. Lekin agar tumhara trade exchange par execute nahi hua ya phir koi guaranteed returns wali scheme hai, to ye IPF aapki madad nahi kar sakta hai. Aur agar aapka broker hi defaulter ban jaye to phir IPF aapko compensation dila sakta hai. Kahan se sikha? NSE ki site par. Soch kar, samajh kar, invest kar. कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहां दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं. स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है. वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे. हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे. साम दाम धंध भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए. जानू छो ज्यादा गलत नहीं था.
मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 और पुनः प्रसारण रात 10:00 सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विश्व प्रतियोगिता पर मुकाबले खबरों। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तींत आज चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्या मध्ये खेळ जातलो। हो खेळ चेन्नईच्या MA चिदंबरम स्टेडियमचेर सांजे 7:30 जातलो। काल झाल्या खेळात मुंबई इंडियन्स पंगडान दिल्ली कॅपिटल्साचेर 29 धावण्यांनी जैत मेळयले आणि ह्या सर्तीतल्या आपल्या पहिल्या जैताची नोंद केली। काल झाल्या दुसऱ्या खेळात लखनौ सुपर जायंट्सान गुजरात टायटन्साक 36 धावण्यांनी हरयले। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्याप्रमाणे आयचे चडान चड तापमान 34.2 अंश सेल्सियस आणि उण्यात उणे तापमान 24.9 अंश सेल्सियस इतले नोंद झाला। आणि आता खबरो सोपूच्या आधी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज छत्तीसगडान घेतली प्रचार सभा। जो मेरेन गरिबांच्यो समस्या सुटावी जायना तो मेरेन आपूण बसचोना स्वस्त, प्रधानमंत्र्यांनी भौसाक दिले आश्वासन। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी मध्य प्रदेशाच्या धनोरा वाठारांत आयोजित केल्या प्रचार सभेक केले संबोधित। आदिवासी खरे म्हणार या देशाचे आणि जमनीचे जाऊन असात मालक, राहुल गांधी हांणी केले उलोवप। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी काँग्रेस पक्षान जाहीर केल्या जाहीरनाम्याविषयी केली खर टीका। हो जाहीरनामो काँग्रेसीचो काय मुस्लिम लीगाचो हेच समजना। काँग्रेस देशाक काबार करपाचो रचता कट, JP नड्डा। सूर्यगिराण अमेरिका, मेक्सिको आणि कॅनडा ह्या हेर देशांनी दिसतले। हे सूर्यगिराण रातच्या 9:12 सुरू जाऊन 2:22 सोपतले। भारतान मात दिसचे ना गिराण। आणि IPL क्रिकेट सर्तींत आज चेन्नईत MA चिदंबरम स्टेडियमचेर चेन्नई सुपर किंग्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स यांच्या मध्ये जातलो खेळ। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तसेच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्रिडेज चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल 1228 उपलब्ध असा। इतल्यान हे खबरापत्र हांगात सोपता, परत मेळा फाल्यां सांजे 4:00 खबरापत्रांत। नमस्कार।